सीताराम चरित अति पावन। दोस्तों, रामानंद सागर जी द्वारा दूरदर्शन पर पहली बार रामायण का प्रसारण 25 जनवरी 1987 को शुरू हुआ था और आखिरी एपिसोड 31 जुलाई 1988 को देखने को मिला था। तब से लेकर आज तक हर उम्र का व्यक्ति, चाहे बच्चा हो, जवान हो या फिर बूढ़ा हो, रामानंद सागर जी का रामायण सीरियल देखता है तो वो भाव विभोर हो जाता है। सुग्रीव, हम रघुवंशियों को अपना धर्म, अपना गौरव प्राणों से भी प्रिय है। रामानंद सागर जी के रामायण में जितने भी कलाकार थे, उन सभी ने रामायण में ऐसा कालजयी किरदार निभाया था कि उन किरदारों की छवि लोगों के दिल और दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए बस गई। चाहे वो श्री राम के किरदार में अरुण गोविल जी हो, या लक्ष्मण के किरदार में सुनील जी, या माँ सीता के किरदार में दीपिका चिखलिया, या फिर रावण के किरदार में अरविंद त्रिवेदी जी, कोई जवाब ही नहीं। मानो ये कोई सीरियल नहीं बल्कि सचमुच की हकीकत हो। लेकिन क्या आपको पता है कि उस समय रामायण में किरदार निभाने वाले टीवी कलाकार वर्तमान में कहां पर हैं और क्या कर रहे हैं, कौन अभी जीवित है और कौन नहीं? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में रामायण के 15 कलाकारों की मृत्यु हो चुकी है और बचे हुए कलाकार अपनी निजी जिंदगी में व्यस्त है। तो कौन है रामायण सीरियल के वो 15 कलाकार जिनका निधन हो चुका है, और बाकी के कलाकार क्या करते हैं आजकल, और कौन था वो मुस्लिम कलाकार जिसने रामायण में एक तो नहीं बल्कि 11 अलग अलग किरदार निभाए थे लेकिन आप उन्हें पहचान ही नहीं पाए, और रामायण के कलाकारों को उस दौरान कितनी फीस मिलती थी, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। सुग्रीव, हम रघुवंशियों को अपना धर्म, अपना गौरव प्राणों से भी। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं रामानंद सागर जी के बारे में जिन्होंने रामायण सीरियल का निर्माण किया था। रामचरितमानस मुनि भावन विरचेहु शंभु सुहावन पावन। रामानंद सागर जी का जन्म 29 दिसंबर 1917 को आज के पाकिस्तान में मौजूद लाहौर के नजदीक असल गुरु नामक स्थान पर हुआ था। फिल्मों में उनकी शुरुआत क्लेपर बॉय के रूप में हुई थी, फिर उन्होंने पृथ्वी थिएटर्स में बतौर असिस्टेंट स्टेज मैनेजर काम किया था। राज कपूर की फिल्म बरसात की कहानी और स्क्रीन प्ले रामानंद सागर ने ही लिखा था। उन्हें 1968 में धर्मेंद्र और माला सिन्हा स्टारर फिल्म आंखें के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला था। इसके बाद उनके मन में भगवान श्री राम की पुण्य कथा रामायण बनाने की इच्छा जगी और 1987 में फिल्मों से अलग रामानंद सागर जी ने रामायण का निर्माण किया और फिर देखते ही देखते ये दुनिया के हर कोने में पहुंच गई थी। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। रामानंद सागर जी की मृत्यु 12 दिसंबर 2005 को हो चुकी है। रामानंद सागर जी दूरदर्शन पर रामायण और कृष्णा नामक अति लोकप्रिय धारावाहिकों के कारण बहुत प्रसिद्ध हुए थे। यहाँ तक कि लोग उन्हें कलयुग के तुलसीदास मानने लगे थे। दोस्तों, आइए अब जानते हैं दारा सिंह रंधावा के बारे में जिन्होंने रामायण में हनुमान जी का किरदार निभाया था। प्रभु, अपने भक्त को सेवकाई प्रदान कीजिए। दारा सिंह जी का जन्म 19 नवंबर 1928 को ग्राम रतनगढ़ गुरदासपुर जिला पंजाब में हुआ था। दारा सिंह जी ने एक्टिंग से पहले सालों तक पहलवानी की थी। 6 फुट 2 इंच लंबे दारा सिंह ने अखाड़े में बड़े बड़े रेसलर को दूर चटाई थी। उन्होंने 500 से भी ज्यादा रेसलर के साथ लड़ाई की थी और हैरानगी की बात थी कि उन्हें एक में भी हार नहीं मिली थी। 80 के दशक में जब रामानंद सागर ने रामायण टीवी शो बनाने का विचार किया तो इस शो में हनुमान के रोल के लिए हर किसी ने दारा सिंह जी का नाम ही सुझाया था। इकलौती वजह जो मानी जाती थी वो थी दारा सिंह जी का कोमल स्वभाव और उनकी कदकाठी। जो शख्स 200 किलो के किंग कोंग को उठाकर फेंक सकता है, आखिर उससे ज्यादा बेहतरीन हनुमान के किरदार के लिए कौन हो सकता था। दारा सिंह जी को हनुमान बनाने का एक कारण यह भी था कि वो पहले भी माइथोलॉजिकल फिल्मों में भीमसेन, भगवान शिव और बजरंग बली का रोल प्ले कर चुके थे। 1986 में रिलीज हुए टीवी शो रामायण में हनुमान बनने से दारा सिंह जी को ऐसी पॉपुलैरिटी हासिल हुई कि वो जहां भी जाते लोग उन्हें भगवान का दर्जा देकर आशीर्वाद लिया करते थे। वहीं पर दारा सिंह जी को हनुमान जी के रोल के लिए 35 लाख रुपए फीस मिली थी। दोस्तों, बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि दारा सिंह जी अब हमारे बीच नहीं रहे। इनकी मृत्यु हार्ट अटैक की वजह से 12 जुलाई 2012 को मुंबई में हो चुकी है। दोस्तों, अरविंद त्रिवेदी जी ने रामायण में रावण का किरदार निभाया था। यहाँ तक कि नवग्रह भी हमारे आदेश की प्रतीक्षा में हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। पर्दे पर जिस तरह अरुण गोविल ने श्री राम का किरदार जीवंत कर दिया था, उसी तरह अरविंद त्रिवेदी जी ने रावण के कालजयी किरदार में जान डाल दी थी। अरविंद त्रिवेदी जी का जन्म 8 नवंबर 1938 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था। 80 के दशक में अरविंद त्रिवेदी जी गुजरात में थिएटर जगत से जुड़े हुए थे। इसी दौरान उन्हें पता चला कि रामानंद सागर जी रामायण बना रहे हैं और किरदारों की कास्टिंग कर रहे हैं, तो वो ऑडिशन देने के लिए गुजरात से मुंबई आ गए। वो केवट का किरदार निभाना चाहते थे। उन्होंने बीबीसी के एक इंटरव्यू में बताया था, इस धारावाहिक में रावण के किरदार के लिए सबकी मांग थी कि अभिनेता अमरीश पुरी को कास्ट किया जाए,
मैंने केवट के किरदार के लिए ऑडिशन दिया और जब बाहर निकलने लगा तो मेरी बॉडी लैंग्वेज और एटीट्यूड देखकर रामानंद सागर जी ने कहा कि मुझे मेरा रावण मिल गया है। इन्होंने रावण के किरदार को इतने अच्छे से निभाया था कि रामायण धारावाहिक में 4 चांद लगा दिए थे। अरविंद त्रिवेदी जी को रावण के रोल के लिए 30 लाख रुपए फीस मिली थी। अरविंद त्रिवेदी जी का 82 वर्ष की उम्र में 6 अक्टूबर 2021 को निधन हो गया था। दोस्तों, संजय जोग जी ने रामायण में भरत का किरदार निभाया था। राज्य में रहने वाले हर प्राणी के धर्म की रक्षा उनका प्रथम सेवक भरत अपने प्राण देकर भी करेगा। पर्दे पर जिस तरह अरुण गोविल जी ने श्री राम का किरदार जीवंत कर दिया था, उसी तरह संजय जोग जी ने भरत के किरदार में जान डाल दी थी। 24 सितंबर 1955 को महाराष्ट्र के नागपुर में जन्मे संजय जोग को भरत का रोल निभाकर दर्शकों का प्यार और सम्मान दोनों मिला था। रामायण के अलावा वो कई फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। संजय ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें किस तरह रामायण में भरत का रोल मिला था। उन्होंने बताया था कि उन्होंने गुजराती फिल्म माया बाजार में अभिमन्यु का रोल निभाया था। इस फिल्म के मेकअप मैन गोपाल दादा थे। गोपाल दादा रामायण के भी मेकअप डिपार्टमेंट को देख रहे थे। उन्होंने संजय जोग को रामानंद सागर से मिलने के लिए कहा। रामानंद सागर ने पहले उन्हें लक्ष्मण का किरदार ऑफर किया था, लेकिन बिजी शेड्यूल होने के कारण उन्होंने ये रोल निभाने से इनकार कर दिया था। बाद में संजय को भरत का रोल ऑफर हुआ था और उसके बाद देश भर के घर घर में उन्हें पहचान मिल गई थी। संजय जोग का 40 साल की उम्र में जिगर की खराबी के कारण 27 नवंबर 1955 को मुंबई में निधन हो गया था। विजय अरोड़ा जी ने रामायण में लंकापति रावण के सबसे बड़े पुत्र मेघनाथ यानी इंद्रजीत का किरदार निभाया था। मेरा लक्ष्य तू नहीं, कहाँ है लक्ष्मण, उससे कहो इंद्रजीत ललकार रहा है। 27 दिसंबर 1944 को अमृतसर में जन्मे विजय अरोड़ा जी ने करीब 110 फिल्मों के साथ साथ टीवी के कई सीरियल्स में भी काम किया था, लेकिन रामानंद सागर जी की रामायण के मेघनाथ बनकर ही उन्हें देश के घर घर में पहचान मिली थी। एक दौर ऐसा भी था जब विजय अरोड़ा ने राजेश खन्ना की हालत खराब कर दी थी। खुद राजेश खन्ना ने स्वीकार किया था कि उनके स्टारडम को कोई चुनौती दे सकता है तो वो विजय अरोड़ा ही है। फिल्मों में काम करने के बाद 1987 में रामानंद सागर जी की नजर विजय अरोड़ा पर पड़ी। उन्होंने विजय को अपने टीवी शो रामायण में मेघनाथ का रोल ऑफर किया, जिसे बाद में उन्होंने स्वीकार कर लिया था। जो मुकाम 110 फिल्में करने के बाद हासिल नहीं हुआ, वो मुकाम मेघनाथ के रोल से उन्हें मिल गया था। उन्हें आज भी सिर्फ और सिर्फ मेघनाथ के रोल के लिए ही याद किया जाता है। विजय अरोड़ा की मृत्यु 62 वर्ष की उम्र में 2 फरवरी 2007 को हो चुकी है। रामायण में बाल धुरी जी ने राजा दशरथ का किरदार निभाया था। वन में 14 वर्ष बिता दिए, 14 भुवनों में तुम्हारी जय जयकार होगी। साल 1944 में जन्मे बाल धुरी जी एक मराठी रंगमंच अभिनेता थे। बता दें कि रामायण की कौशल्या यानी जयश्री गणकर ही रियल लाइफ में भी बाल धुरी जी की पत्नी है। दरअसल उनकी पत्नी जयश्री गणकर को रामायण में पहले ही माता कौशल्या का रोल मिल गया था। जयश्री गणकर जब अपने पति के साथ रामानंद सागर के ऑफिस पहुंची तो उनकी नजर बाल धुरी पर पड़ी। बाल धुरी को देखकर रामानंद सागर जी ने उन्हें 2 रोल ऑफर किए। पहला रोल था मेघनाथ का और दूसरा दशरथ का। इस बार बाल धुरी जी ने दशरथ का किरदार निभाने की इच्छा जाहिर की, लेकिन रामानंद सागर जी ने कहा कि दशरथ का किरदार तो बस कुछ ही एपिसोड के लिए होगा, लेकिन बाल धुरी जी ने दशरथ का किरदार ही चुना। इसके बाद उन्होंने अपनी अदाकारी से राजा दशरथ के किरदार को जीवंत कर दिया था। 2008 में पत्नी जयश्री गणकर के निधन के बाद उन्होंने फिल्मी पर्दे से दूरी बना ली थी। वो आखिरी बार 2011 में आई फिल्म सदा रक्षणाय में बसंत पंडित बने दिखे। रामायण में जयश्री गणकर ने माता कौशल्या का किरदार निभाया था। कोई माँ कहने वाला ना हो तो स्त्री अपने आप को पूर्ण नहीं समझती। दोस्तों, आपको बता दें कि जयश्री गणकर जी जिन्होंने माता कौशल्या का किरदार निभाया था, वही बाल धुरी जी की रियल लाइफ पत्नी थी। 21 फरवरी 1942 में जन्मी जयश्री गणकर रामायण का हिस्सा बनने से पहले एक मशहूर एक्ट्रेस और एक कुशल डांसर हुआ करती थी। जयश्री गणकर की मृत्यु 29 अगस्त 2008 को मात्र 66 वर्ष की उम्र में हो चुकी थी। रामायण में सुग्रीव का किरदार श्याम सुंदर कलानी जी ने निभाया था। धर्म के विषय में भली भांति सुशिक्षित हैं और सब पर दया करने वाले हैं। 1940 में मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में जन्मे श्याम सुंदर कलानी को अभिनय के क्षेत्र में पहला अवसर रामानंद सागर जी की रामायण से ही मिला था, जिसमें उन्होंने सुग्रीव का रोल निभाया था। रामायण में श्याम सुंदर कलानी के द्वारा निभाए गए सुग्रीव के रोल को काफी सराहा गया था। श्याम सुंदर कलानी जी की मृत्यु 29 मार्च 2022 को हो गई थी। मूलराज राजदान ने रामायण में माता सीता के पिता जनक जी का किरदार निभाया था। कन्या का पिता तो केवल यही कह सकता है, इन चारों को अपनी परिचारिकाएं समझिए। मूलराज राजदान ने रामायण में राजा जनक का अमर किरदार तो निभाया था, इसके अलावा वो एक जाने माने अभिनेता और बेहतरीन निर्देशक भी थे। बता दें कि निर्देशक होने के साथ ही वो एक बेमिसाल लेखक भी थे। सिनेमा में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अपने 5 दशक से अधिक के करियर में मूलराज राजदान ने 50 से भी ज्यादा फिल्मों और धारावाहिकों में अभिनेता, लेखक और निर्देशक के रूप में योगदान दिया था। दोस्तों, मूलराज राजदान की मृत्यु 23 सितंबर 2012 को हो चुकी है।
दोस्तों, मुकेश रावल जी ने रामायण में रावण के भाई विभीषण का किरदार निभाया था। इसके समान अपनी सिद्धियों के मद में चूर दूसरा महाभट योद्धा पृथ्वी पर नहीं है। साल 1951 के दौरान मुंबई में जन्म मुकेश ने हिंदी भाषा के अलावा गुजराती इंडस्ट्री में भी काम किया था। मुकेश को विभीषण का किरदार अचानक मिला था। दरअसल वो काफी समय से थिएटर कर रहे थे। एक प्ले के दौरान रामानंद सागर की नजर उन पर पड़ी तो उनका ऑडिशन ले लिया। बताते हैं कि मुकेश ने मेघनाद और विभीषण दोनों किरदारों के लिए ऑडिशन दिया था। बाद में उन्हें विभीषण का रोल ऑफर किया गया था। 15 नवंबर 2016 को मुकेश रावल की एक ट्रेन से कटकर मौत हो गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुकेश रावल को जवान बेटे की मौत से गहरा सदमा लगा था और वो अक्सर डिप्रेशन में रहने लगे थे। विभूति दवे जी ने रामायण में त्रिजटा का रोल निभाया था। सपना सत्य होने की भूमिका तो युद्ध के पहले दिन से ही बन गई थी मेरी रानी। यह वही त्रिजटा है जिन्होंने लंका में रावण की दासी के रूप में माता सीता की रखवाली की थी। विभूति दवे ने परेश चंद्र दवे से शादी की थी। दोस्तों, विभूति का निधन 13 अगस्त 2006 को हार्ट अटैक के कारण हो चुका है। दोस्तों, रामायण में दासी मंथरा की भूमिका ललिता पवार जी ने निभाई थी। उसको हटाने के लिए ना जाने राम कैसे कैसे षड्यंत्र रचेगा। 18 अप्रैल 1916 में जन्मी ललिता पवार ने न केवल रामानंद सागर की रामायण में मंथरा के किरदार से लोकप्रियता हासिल की बल्कि उन्होंने 700 भी ज्यादा हिंदी, मराठी और गुजराती फिल्मों में दुष्ट सास का रोल निभाकर भी खूब पॉपुलैरिटी हासिल की थी। उन्होंने श्री 420, दहेज, नेताजी पालकर और अनाड़ी जैसे कई सफल धारावाहिकों और फिल्मों में भी काम किया था। इनकी मृत्यु 82 वर्ष की उम्र में 24 फरवरी 1988 को हो चुकी है। दोस्तों, रामायण में कुंभकर्ण की भूमिका नलिन दवे जी ने निभाई थी। उचित समय पर उचित बात नहीं कि इन तीनों में भी धर्म श्रेष्ठ है। यह बात बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि नलिन दवे गुजराती सिनेमा के जाने माने कलाकार थे जिन्होंने कई फिल्मों में काम किया और लोगों का मनोरंजन किया था। लेकिन नलिन को ज्यादा पहचान कुंभकर्ण के रोल से ही मिली थी। वो इस रोल में काफी फिट बैठते थे। अपने अभिनय के लिए उन्होंने काफी तारीफें पाई थी। इनकी मृत्यु 50 वर्ष की उम्र में 1990 में हो गई थी। अरुण गोविल जी ने रामायण के मुख्य पात्र श्री राम जी का किरदार निभाया था। सुग्रीव, हम रघुवंशियों को अपना धर्म, अपना गौरव प्राणों से भी प्रिय है। अरुण गोविल जी को आजकल उनके असली नाम से बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन राम के नाम से हर कोई जानता है। अरुण गोविल जी जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर सब लोग उन्हें राम जी मानकर उनके पेट छूने लग जाते हैं, क्योंकि रामानंद सागर द्वारा बनाई गई संपूर्ण रामायण में अरुण गोविल जी ने राम का किरदार इतने जबरदस्त तरीके से निभाया है कि उसे कोई भूल नहीं सकता। 12 जनवरी 1958 को उत्तर प्रदेश में मेरठ के रामनगर में जन्मे अरुण को पॉपुलैरिटी भले ही छोटे पर्दे के राम बनने के बाद मिली हो, लेकिन उन्हें पहला ब्रेक 1977 में ताराचंद बड़जात्या की फिल्म पहली में मिला था। रामानंद सागर ने अरुण गोविल को सबसे पहले सीरियल विक्रम और बेताल में राजा विक्रमादित्य का रोल दिया था। इसकी अपार सफलता के बाद 1987 में रामायण में भगवान राम का रोल दे दिया। इस रोल से वे इतने पॉपुलर हो गए थे कि आज भी लोगों के मन में उनकी छवि भगवान श्री राम के रूप में बस गई है। अरुण गोविल ने पूरे शो के लिए करीब 40 लाख रुपए चार्ज किए थे। वर्तमान में इनकी उम्र 65 साल है और इन्होंने अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है और उसी में वो कार्यरत है। दीपिका चिखलिया जी ने रामायण में माता सीता का अमर किरदार निभाया था। जिस प्रकार सूर्य से उसकी प्रभा अलग नहीं हो सकती, उसी प्रकार मैं भी श्री राम जी से अभिन्न हूँ। दीपिका चिखलिया जी ने माता सीता का किरदार इतने अच्छे से निभाया है कि लोग उन्हें आज भी माता सीता के रूप में ही देखते हैं। दोस्तों, दीपिका चिखलिया का जन्म 29 अप्रैल 1965 को मुंबई में हुआ था। यूँ तो दीपिका ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत साल 1983 में आई फिल्म सुन मेरी लैला से की थी, लेकिन उन्हें पहचान साल 1987 में प्रसारित हुए रामानंद सागर के रामायण धारावाहिक से ही मिली थी। इस किरदार के बाद न सिर्फ लोग उन्हें जानने लगे थे बल्कि उनकी पूजा भी करने लगे थे। एक्ट्रेस दीपिका चिखलिया को रामायण में काम करने के लिए 20 लाख रुपए की फीस मिली थी। वर्तमान में इनकी उम्र 58 वर्ष है और इनके पति का नाम हेमंत टोपी वाला है। दीपिका राजनीति से भी संबंध रखती है। दीपिका 1991 में बीजेपी पार्टी से बड़ोदरा गुजरात में सांसद रह चुकी है। सुनील लहरी जी ने रामायण में लक्ष्मण जी का किरदार निभाया था। लक्ष्मण आ गया है तुझे भी तेरे भाई अतिकाय के पास पहुंचाने के लिए। 9 जनवरी 1961 को मध्य प्रदेश के दमोह में जन्मे सुनील लहरी ने रामायण पहले कुछ सीरियल्स में काम किया था जिनमें उनकी पहली फिल्म 1983 में नक्सलवादी आई और उसके बाद बरसात आई थी। बताते हैं कि साल 1986 में सुनील बॉम्बे दूरदर्शन के लिए प्ले कर रहे जिसमें एक्ट्रेस बेबी नाज माँ का रोल कर रही थी। बेबी नाज ने ही सुनील को कहा कि उन्हें रामायण के लिए ऑडिशन देना चाहिए। इसके बाद ही सुनील लहरी रामानंद सागर से मिले थे। उस वक्त ऑडिशन के लिए 150 एक्टर आए थे जिसमें से सुनील लहरी को लक्ष्मण के किरदार के लिए चुन लिया गया था। इसके बाद रामायण में उन्होंने क्या ही गजब का किरदार निभाया था ये आप और हम अच्छे तरीके से जानते हैं।
सुनील लहरी ने रामायण में लक्ष्मण के किरदार के लिए लगभग 15 से 18 लाख रुपए तक की फीस ली थी। इन दिनों सुनील लहरी अपने परिवार के साथ मुंबई में रहते हैं और अपने पिता के नाम से एक एड कंपनी चलाते हैं। दोस्तों, रामायण में जामवंत का किरदार श्रीकांत राजशेखर उपाध्याय ने निभाया था। हमारी भाषा पर ध्यान न देकर केवल हमारी भावना पर विचार कीजिए, हमारी भावना पवित्र है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के सूर्यावा कस्बे के हरिहरपुर गांव में हुआ था। मुंह पर मुखौटा लगा होने के कारण दर्शकों में हमेशा उत्सुकता रहती थी कि इस बुलंद आवाज के पीछे किसका चेहरा है। बताया जाता है कि एक वक्त में लोग राम के किरदार निभाने वाले अरुण गोविल से ज्यादा जामवंत का किरदार निभाने वाले राजशेखर के दीवाने हो गए थे। दोस्तों, वर्तमान में श्रीकांत राजशेखर उपाध्याय सकुशल हैं और वो अपनी निजी जिंदगी में व्यस्त हैं। रामायण में शत्रुघ्न की भूमिका एक्टर समीर राजदा ने निभाई थी। जो राज्य आपके श्री चरणों की छाया में पनपेगा, वहां तो अमंगल हो ही नहीं सकता। एक्टर समीर राजदा रामायण का हिस्सा बनने से पहले मुख्य रूप से गुजराती सिनेमा में काम करते थे। ये उस समय के एक्टर मूलराज राजदा के पुत्र थे जिन्होंने रामायण में राजा जनक की भूमिका निभाई थी। समीर राजदा ने रामायण के अलावा बी आर चोपड़ा की महाभारत में राजा विराट के पुत्र उत्तर की भूमिका निभाई थी। वर्तमान में वे सोनी टीवी पर प्रसारित धारावाहिक क्राइम पेट्रोल में साइड रोल कर रहे हैं। रामायण सीरियल में राजा दशरथ की पत्नी केकई की भूमिका एक्ट्रेस पद्मा खन्ना ने निभाई थी। मेरा राम अपनी जननी कौशल्या से अधिक मुझे स्नेह करता है। इनका जन्म 10 मार्च 1949 को पटना बिहार में हुआ था। रामायण के अलावा इन्होंने कई हिंदी व भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया है। उनकी एक्टिंग इतनी दमदार थी कि हर दर्शक उनके नकारात्मक व्यवहार को देख गुस्से में भर जाता था। पद्मा खन्ना ने साल 1986 में फिल्म डायरेक्टर जगदीश सिधाना के साथ शादी करके हमेशा के लिए एक्टिंग को अलविदा कह दिया और वो अमेरिका में शिफ्ट हो गई। पति के निधन के बावजूद वो विदेश में ही रह रही हैं और इन दिनों वो न्यू जर्सी में डांस एकेडमी चला रही हैं। रामायण सीरियल में सुमित्रा की भूमिका एक्ट्रेस रजनी बाला ने निभाई थी। आप तो त्रिकालदर्शी है गुरुदेव, हमारे मन की व्यथा तो आप जानते ही है। सुमित्रा अयोध्या के राजा दशरथ की पत्नी तथा लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न की माता थी। रामायण के अलावा इन्होंने कई हिंदी मूवीज व सीरियल्स में साइड रोल किए हैं जिनमें मुख्य फिल्में श्रीमान श्रीमती, रोटी कपड़ा और मकान, विक्रम और बेताल सीरियल शामिल हैं। इसके साथ ही उन्होंने उस समय कई मूवीज में मुख्य नर्तिका की भूमिका भी निभाई थी। दोस्तों, रजनी बाला का 6 दिसंबर 2010 में निधन हो चुका है। रामायण सीरियल में गुरु वशिष्ठ की भूमिका एक्टर सुधीर दलवी ने निभाई थी। विश्व को आनंद देने वाले सुख धाम का नाम राम। इनका जन्म 20 मार्च 1939 को ठाणे महाराष्ट्र में हुआ था। रामायण के अलावा इन्होंने कई हिंदी व मराठी फिल्मों व सीरियल्स में काम किया है जिनमें मुख्य शिरडी के साई बाबा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी और गांधी शामिल हैं। वर्तमान में सुधीर दलवी की आयु 85 वर्ष हो चुकी है। रामायण में सुमंत की भूमिका एक्टर चंद्रशेखर ने निभाई थी। स्वयं स्वर्गवासी महाराज दशरथ भी इन घटनाओं को जानते थे। इनका जन्म 7 जुलाई 1922 को हैदराबाद में हुआ था। चंद्रशेखर ने कई हिंदी मूवीज व सीरियल्स में काम किया है। वह इन्होंने अपनी आखिरी मूवी खौफ सन 2000 में की थी जिसके बाद उन्होंने बॉलीवुड से संन्यास ले लिया था। रामायण सीरियल में जनक की पत्नी सुनैना की भूमिका एक्ट्रेस उर्मिला भट्ट ने निभाई थी। पिता ने तुम्हें इतना दिया है कि तीनों लोक में उसकी शोभा हो रही है। इनका जन्म 1934 में देहरादून उत्तराखंड में हुआ था। ये अपने समय की प्रसिद्ध अदाकारा थी जिन्होंने कई हिंदी, गुजराती व राजस्थानी मूवी, सीरियल व नाटकों में काम किया था। 22 फरवरी 1997 को उर्मिला मुंबई में जुहू स्थित अपने घर में मृत पाई गई थी। रामायण सीरियल में रावण की पत्नी मंदोदरी की भूमिका एक्ट्रेस अपराजिता भूषण ने निभाई थी। माँ का वरदान है कि आज रणभूमि से मेरा मेघनाद विजयनाद करता हुआ लौटेगा। ये उस समय के बॉलीवुड एक्टर भारत भूषण की पुत्री हैं। इन्होंने गुप्त, हत्या व मोहरा जैसी बॉलीवुड मूवीज में भी काम किया है। दोस्तों, वर्तमान में वे एक लेखिका के रूप में कार्यरत हैं और अपनी निजी जिंदगी में व्यस्त हैं। दोस्तों, रामायण में एक ऐसे मुस्लिम कलाकार भी थे जिन्होंने एक दो नहीं बल्कि 11 किरदार निभाए थे। उस कलाकार का नाम था असलम खान। आपकी पूजा और विनय के उत्तर में मैंने अपना स्थान छोड़कर आपको मार्ग नहीं दिया। अभिनेता असलम खान रामायण सीरियल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे क्योंकि उन्हें जो रोल मिला उसे उन्होंने बखूबी निभाया था। वैसे दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने रामायण में एक या दो या तीन नहीं बल्कि पूरे 11 अलग अलग किरदार निभाए थे जिनमें राक्षस से लेकर मुनि तक का किरदार शामिल है। जिस भी रोल में रामानंद सागर जी ने उन्हें फिट पाया उन्हें वही किरदार दे दिया था। असलम खान रामायण के अलावा भी कई सीरियल्स में नजर आए थे। असलम खान ने अलिफ लैला, श्री कृष्णा, सूर्य पुत्र कर्ण, मशाल और हवाई जैसे सीरियल्स भी किए हैं।
लेकिन साल 2002 के बाद ना जाने क्या हुआ कि वो शोबीज की दुनिया से पूरी तरह से दूर हो गए। बताया जाता है कि उन्हें काम मिलना ही बंद हो गया था। उन्होंने फिर से काम ढूंढने की कोशिश तो बहुत की लेकिन कोई बात नहीं बनी, इसीलिए उन्होंने बाद में बिजनेस करने का फैसला किया। वर्तमान में वो बिजनेस नहीं बल्कि नौकरी कर रहे हैं। रामायण सीरियल में श्री राम के पुत्र कुश की भूमिका एक्टर स्वप्निल जोशी ने निभाई थी। गुरुदेव के कथानुसार आपकी भक्ति सचमुच वंदनीय है। स्वप्निल जोशी एक भारतीय अभिनेता और हास्यकार हैं। ये कई हिंदी व मराठी फिल्मों व धारावाहिकों में कार्य कर चुके हैं। स्वप्निल जोशी को श्री कृष्ण में कृष्णा व रामायण में लव के किरदार के लिए काफी लोकप्रियता मिली। वर्तमान में स्वप्निल एक्टिंग के क्षेत्र में कार्यरत हैं। दोस्तों, रामायण में श्रीराम और माता सीता के पुत्र लव की भूमिका मयूरेश क्षेत्रमाड़े ने निभाई थी। छोटा संकुश बड़े मत वाले हाथी को भी सीधा कर देता है। श्रीराम के पुत्र बन फेमस हुए मयूरेश क्षेत्रमाड़े को एक ही शो से बड़ा स्टारडम मिल गया था। बावजूद इसके उन्होंने ग्लैमर की दुनिया को अलविदा कह दिया था। एक्टिंग को अलविदा कहकर लव यानी के मयूरेश क्षेत्रमाड़े ने अपनी पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट किया, जिसके बाद वो कई बड़ी कंपनियों के साथ जुड़े और वर्तमान में कमीशन जंक्शन एफिलियट के CEO हैं। इन दिनों मयूरेश अपने परिवार के साथ US में रहते हैं और वो US के कामयाब बिजनेसमैन बताए जाते हैं। विजय कविश ने रामायण में महर्षि वाल्मीकि, भगवान शिव और रावण के ससुर का किरदार निभाया था। यही वो समय है जब ईश्वर का अवतार लेना आवश्यक होता है। खास बात यह है कि ये तीनों किरदार एक दूसरे से इतने भिन्न थे कि दर्शक भी जान नहीं पाए थे। मुंबई में जन्म कविश के पिता डायलॉग राइटर थे। ऐसे में इंडस्ट्री में आना उनके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दूरदर्शन पर प्रसारित सीरियल इधर उधर से की थी। कविश ने रामायण के अलावा रामानंद सागर के सीरियल विक्रम बेताल और श्री कृष्णा में भी काम किया है। फिलहाल वो लंबे समय से किसी सीरियल या फिल्म में नजर नहीं आए हैं। दोस्तों, रामायण में सबरी का किरदार सरिता देवी ने निभाया था। खाइए प्रभु, बहुत मीठे हैं, मैंने चक चक कर रखे हैं। सबरी का किरदार निभाने वाली सरिता देवी का जन्म 23 नवंबर 1925 को जोधपुर में हुआ था। सरिता देवी राजस्थान की पहली फिल्म चरित्र अभिनेत्री थी। उन्होंने आजादी के वर्ष 1947 में 22 साल की उम्र में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। उन्होंने अपनी पहली फिल्म तोहफा में नायिका अनुराधा की मां की भूमिका निभाई थी। दोस्तों, साल 2001 में सरिता देवी इस दुनिया को अलविदा कह गई। रामायण सीरियल में लक्ष्मण की पत्नी और माता सीता की छोटी बहन उर्मिला की भूमिका एक्ट्रेस अंजलि व्यास ने निभाई थी। मैं तो इसलिए जाना चाहती हूँ कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। उर्मिला के रूप में अंजलि का किरदार रामायण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। रामायण में वो राजा जनक की बेटी, सीता की छोटी बहन और लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला है। रामायण में अंजलि व्यास ने उर्मिला के किरदार को बहुत ही खूबसूरती से पर्दे पर उतारा था। वहीं इस किरदार में अपनी मासूमियत से अंजलि व्यास ने हर किसी का दिल जीत लिया था। बताते कि अंजलि व्यास अब इंडस्ट्री और देश दोनों छोड़कर ऑस्ट्रेलिया में अपने परिवार के साथ लाइफ बिता रही है। दोस्तों, आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। अगर वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। धन्यवाद।